आपको बताएंगे कि शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर। पाकिस्तान में करप्शन की इब्तदा का साल था और 1993 से जो खेल शुरू हुआ है इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट में इनका ताबूत निकलेगा और जजेस अदालते आलिया इस मकाम पे तब पहुंचती है जब सारे कानून उनको हिफज हो जाते हैं, जब इज्जत इमेज और उनका वकार उनको जिंदगी से ज्यादा अजीज होता है। और ये अदलिया वो अदलिया है जो वकार अजमत पाकिस्तान इस्लाम और अपनी इज्जत के लिए जिंदा है और केस जिसकी समाअत हो रही है वो दौलत के लिए जिंदा है। इंशाअल्लाह ताला दौलत और भी कई लोग मरे हैं इस दुनिया में, उनके नसीब में नहीं हुई। जितने लोग कब्रिस्तान में आबाद हैं यही कहते थे कि हमने दुकान चलाई है, हम ना होते तो कारखाना ना चलता। आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। इंशाअल्लाह इंसाफ जीतेगा और करप्ट लोग करप्ट लोगों का ताबूत सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा। बिल्कुल ठोस सबात मौजूद हैं, अदालत जो भी करे कबूल है। 19 साल 2 महीनों की बेटी का तो मैं रिश्ते के लिए चीज़ें जमा करती हैं, जहां इन्होंने अरबों रुपए के फ्लैट जमा किए वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपको देने की बजाय खुद भी कर सकते हैं। जो भी था उस वक्त भी था, उस वक्त भी अल्लाह के फजल से हाथ शफाफ थे, आज भी शफाफ है। 8 वजारतें की हैं, 8 वजारतें की हैं। अगर मेरे हाथ गदले होते तो मैं आज अवाम के सामने नवाज शरीफ के खिलाफ इस तरह खड़ा ना होता।